नमस्कार, केएसएन 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास्तव। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरिया जिला के पौड़ी थाना का पुलिस सहायता केंद्र नागपुर पुलिस द्वारा 30 अप्रैल की शाम को मुखबिर की सूचना पर 900 ग्राम गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोरिया जिले में 11 अप्रैल से लगातार लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है एवं इस समय तीसरे चरण का लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया है। उसी बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें बरबसपुर से चिरमिरी की ओर दो युवकों द्वारा 900 ग्राम गांजा ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा नागपुर पुलिस को लगी और नागपुर पुलिस द्वारा महाराजपुर में घेराबंदी कर स्कूटी से आ रहे दोनों युवकों की छानबीन की गई, जिसमें युवकों के पास से 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। नागपुर पुलिस द्वारा तुरंत युवकों को स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया और नागपुर चौकी लाया गया। पकड़े गए कुल गांजा की कीमत लगभग 10,000 एवं स्कूटी की कीमत 50,000 है। लगातार कोरिया जिले में कलेक्टर कोरिया द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जहां सभी दुकानें बंद है। उसके बावजूद गांजे का कारोबार पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा इन लोगों से गांजा खरीद कर पुड़िया के रूप में बेचे जाने की सूचना लगातार मिल रही है। वहीं इसी तारतम्य में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, वह एक छोटे से कारोबारी को ही पकड़ा गया है। अब देखना यह होगा कि कोरिया पुलिस इनके सरगना को कब पकड़ पाती है। एकल दिनांक 30/4/2021 को शाम को मुखबिर से सूचना मिला कि बरबसपुर तरफ से दो लड़के स्कूटी में गांजा ला रहे हैं और बिक्री करने के लिए चिरमिरी को ले जा रहे हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरिया से बाला राव की रिपोर्ट।